हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। चलो बस एक चीज़ कंफर्म करो, वॉइस इज़ क्लियर और बोर्ड सही से दिख रहा है। जो बोर्ड में लिखा है क्लास 8 मैथ इज विजिबल टू यू, ठीक है ना? सही से दिख रहा है कि उसमें कुछ खराबी नहीं है अभी? आवाज आ रही है? अच्छा, ये वॉइस के लिए था कि बोर्ड के लिए था? ये पहला एच। हाय हेलो, हाय हाय, हेलो हेलो, यस सर, मैं आया आज। ओके ओके ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस इज़ क्लियर? और ये बोर्ड पे जो लिखा है, सर थोड़ा वॉइस लो लग रहा है। भाई वॉइस लो लग रहा है? ओके ओके ओके, और तेज़ करना पड़ेगा। वॉइस लो है? हमें तो लगता है वॉइस सही आ रहा होगा डियर, पर तुमने अगर कहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ। वॉइस तो मेरे हिसाब से सही आ रही होगी, है ना? बस तुम बोर्ड का था। अच्छा, अजय मिश्रा। ओके ओके डियर, तुमने कहा था ना, तो तुम्हारे कहने पर पढ़ा रहे हैं। जैसा क्लियर है, बोर्ड क्लियर है? नहीं, बोर्ड इंपॉर्टेंट है, वॉइस इंपॉर्टेंट है। चलो सब सही है ना? बस बस स्टार्ट करते हैं ना हम लोग टॉपिक अपना, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो किसी और, हमने 35 से कहा था, 1-2 मिनट और रुक जाए। तो चैप्टर नंबर 12, ये मन हम लोग ये बुक अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड चैप्टर 12 माय डियर, फैक्टराइजेशन। हम लोगों को पढ़ना है फैक्टराइजेशन। ओके, हाँ, थैंक यू सबको बुलाने के लिए, और जो लोग और भी हों किसी को। हाँ भाई, थैंक यू सबको बताने के लिए और बुलाने के लिए। ओके डियर, फॉर दैट। और जिसे भी पढ़ना हो बता देना, जिसे भी आना हो, और कोई और चैप्टर पढ़ना हो तो वही बता देना। अब हम लोग स्टार्ट करें डियर। हाय प्रतीक, प्रतीक, हेलो हेलो प्रतीक। चलो आई थिंक बहुत हम लोग अब स्टार्ट करना चाहिए। 10 लोग आ गए और हमारा 1 मिनट हो गया, हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके सर, लाउड लाउड मतलब और देर, बस स्टार्ट कर रहे हैं ना डियर, स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात कर रहे थे फैक्टराइजेशन। ओके डियर, अब बात समझते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, तो फैक्टराइजेशन बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का बात करें, ठीक है, तो व्हाट यू मीन बाय फैक्टराइजेशन? सबसे पहला सवाल आता है कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। भाई सबको पढ़ाएंगे, जिसे भी पढ़ना होगा तुम बता देना जब पढ़ना होगा। 9th का 8:30 बजे है प्रतीक, 9th का 8:30 बजे है। 9th का हम लोग रखेंगे 8:35, 8:35 बताए तो 9th वालों का 8:35, 9th का 8:35, ठीक है? अभी नहीं, अभी इन्हीं को रखेंगे, तो अभी हम इनको पढ़ाने दो। ओके डियर, चलो फैक्टराइजेशन, व्हाट यू मीन बाय फैक्टराइजेशन? सबसे मेन बात समझते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है? सबसे पहला सवाल तो यह है, प्लीज वेट सर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत करते रहते हैं, थोड़ा बहुत अभी सवाल स्टार्ट नहीं किया है, पहले समझ लेते हैं। अच्छा एक बात समझो, अगर मैं तुम्हें लिख के दूं 10, 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 3 और 2 × 5। 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 5। ओके डियर, अच्छा प्रखर, हाँ बुला लो प्रखर, हम तब तक हैं सब लोग, है ना? यस यस, 8B प्रखर आने दो, तब तक थोड़ा समझा रहे हैं तुम्हें। तो ये 10 के फैक्टर हैं, ये 10 के फैक्टर हैं। अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है? अब एक बात समझो, 8 का फैक्टर क्या होगा? 8 नहीं लेते हम लोग, ले लेते हम लोग यस 20 का फैक्टर क्या होगा? 20 का, अगर हम 20 का फैक्टर लिखें
हम 20 को 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, पर क्या ये इसका आंसर होगा 4 मल्टीप्लाई 5? राम राम, ठीक है, क्या 4 मल्टीप्लाई 5 होगा 20 का फैक्टर? नहीं, तो 20 का फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये कहलाता है हमारा 20 का फैक्टर्स। ठीक है, तो यानी हमने 20 को डिवाइड कर दिया उसके मल्टीपल्स में, उसके मल्टीपल्स में। तो फैक्टर यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो फैक्टराइजेशन, यही काम हमें करना है इक्वेशंस में। ठीक है, बात समझ में? तो फैक्टर में देखो, फैक्टर जो बात होती है फैक्टर का, अगर हम 20 को उसके फैक्टर के फॉर्म में रखें, 20 को उसके फैक्टर के फॉर्म रखें, ठीक है, तो वही कहलाएगा यहाँ पर फैक्टराइजेशन। ओके डियर, तो अगर हमें फैक्टराइजेशन का मतलब समझना है तो किसी एक बड़े इक्वेशन को उसके मल्टीपल, ठीक है, उसको छोटे छोटे इक्वेशन में डिवाइड कर दें और वो उनके मल्टीप्लाई करके इक्वल आ जाए बड़े इक्वेशन के। ठीक है, याद रखना फैक्टराइजेशन मतलब इंपॉर्टेंट है समझना, अगर नहीं समझ पा रहे हो, ये सब इसके फैक्टर हैं। जब हम किसी बड़े इक्वेशन को उसके फैक्टर में तोड़ देते हैं, बड़े इक्वेशन में फैक्टर में तोड़ देते हैं, तो वो सब उसके फैक्टर कहलाते हैं, और उनका मल्टीप्लाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 20 होगा, वैसे उनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, 20 होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज, ठीक है, इससे ज़्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है, हम सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं इतना कहूँगा कि एग्जाम्पल्स भी लगा लेना, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत चला करो, थोड़ा सा बड़े क्लासेस में आओगे तो इसका तुम्हें बहुत यूज़ आएगा, इस चैप्टर का, थोड़े अगर बड़े क्लासेस में आओगे डियर तो इस चैप्टर का बहुत यूज़ आएगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं साइज 12.1। देखो जो बात समझाई थी अभी मैंने फैक्टर का मतलब लिखे, पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल ये 3x+6, ठीक है, 3x+6। अब 3x+6 को अगर तुम्हें फैक्टर निकालना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे? अब देखो यहां पर अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो हम लिख सकते हैं 3x+, अब 6 को क्या लिख सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, हम 6 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, और ये बीच में प्लस है, तो यहां पे 3 है और यहां पे 3 है, ये कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बच गया, अगर 3 बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया तो बचा क्या, x प्लस, क्योंकि ये सिंबल प्लस है, सब प्लस हो गया। यहां क्या बचा, 2, 3 तो बाहर चला गया है तो यहां बचा 2, तो इसका फैक्टर ये हो गया, ये जो फैक्टराइजेशन करना है डियर वो ये हो गया। अगर हम तुम्हें चीज समझाएं, अगर हम 3x+2 को ब्रैकेट ओपन करें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3 2 6, 3 2 6, तो यही चीज लॉट किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा फैक्टर है, क्योंकि तो यहाँ 3 और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, पर हमें ये नहीं लिखना होता है, हमेशा यही लिख के छोड़ते हैं। हाँ, प्रखर, केपी, सब बढ़िया, सहल हो लो, ठीक है। प्रखर, जिसको आना था, तुम आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, मैंने पहला सवाल कराया, इसमें किसी को डाउट है? पहला सवाल समझ में आया तो तुम्हें लगभग सब समझ में आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हें सब समझ में आएंगे, पहले तो फर्स्ट में किसी को डाउट है भाई? यस सुनो, जल्दी से बोल दो, किसी बातें करने में यस सुनो बोलना है। और जिसने हमसे कहा था कि सर पढ़ा दीजिए, उससे पूछ रहे थे, मिस वही बता देना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सवाल है, और ये देखो, तो बस अब इसको का तुम समझ गया कि व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर करना क्या होता है। ओके ओके, यस क्लियर है, ओके तो बस हम लोग आराम से कर ले जाएंगे पूरा चैप्टर, ये बहुत आसान चैप्टर है, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें करा देते हैं, चलो 2 करा देते हैं, 2 भी करा देते हैं। देखो अब सारे, तो अगर मैं इसमें 30 सवाल है, अगर 30 कराने बैठ जाऊँगा तो बहुत टाइम लेगा, तो जो एकदम सेम है उनको मैं हटा दूंगा, पर अभी सेकंड करना चाहिए, क्योंकि सेकंड तुम्हें जानना पड़ेगा। देखो सेकंड में क्या है, 5xy+10x, हम यहाँ लिख सकते हैं 5xy, 10 को लिख सकते हैं क्या, 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, और x, ये x भी मल्टीप्लाई में ही होता है, ये मल्टीप्लाई में होता है। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 बाहर आ गया, यहाँ x है, यहाँ x है, तो x बाहर आ गया, बचा क्या, यहाँ y बचा, ये सिंबल प्लस है इसलिए प्लस लगा है, ये 5 बाहर आ चुका है, ये x बाहर आ चुका है, यहाँ बचा क्या है, 2, तो ये इसका आंसर हो गया डियर। हाँ
हाँ मेंसुरेशन बता देंगे, पूछ लेना जो भी समझ में नहीं आता है। अभी इसको अभी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो एक बार हमें फैक्टराइजेशन खत्म करने दो, फिर तुम्हें अगर मेंसुरेशन या कहीं पे और कोई डाउट होगा तो तुम उसे कमेंट सेक्शन में बाद बताना। देखो ये जो चैट होता है ये गायब हो जाएगा, मतलब गायब रहेगा पर हमें इसे देखने के में पूरा देखना पड़ेगा वापस, ठीक है ना। तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें कहाँ समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो कंप्लीट होने बाद। ओके डियर, अगर वीडियो कंप्लीट होने बाद तुम जब लास्ट में कमेंट में दोगे, कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में, तो वो रहेगा, तो हम देख के जान पाएंगे तुम्हें क्या डाउट है। तो ये तो दूसरा था, थर्ड एकदम सेम है, इसलिए फोर्थ करा रहा हूँ। थर्ड एकदम सेम है डियर, इसलिए हम फोर्थ कराता हूँ। बाकी जो छूट रहा है वो घर पे तुम लगाते रहना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। एक दो होमवर्क भी दे देंगे तुम्हें आज, एक दो होमवर्क भी दे देंगे कि तुम्हें हमें बता दो इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब इसमें बात करूँ तो यहाँ तीन टर्म है, यहाँ तीन टर्म है डियर, तो तीनों में जो कॉमन आ जाए, तीनों में जो कॉमन आ जाए, तो एक बात देखो, यहाँ एम है, इसमें एम है नहीं है, इसमें एम है हाँ है, तो कोई इसमें एम नहीं है ना, बात खत्म। यहाँ एन है, यहाँ एन है और यहाँ एन है, तो एन कॉमन ले लो। अगर एन चला गया, यहाँ बचा क्या एम, यहाँ बचा एल, और ये एन चला के बचा एल एम, तो ये हो गया हमारा फोर्थ भी, ये हमारा हो गया डियर फोर्थ भी। ओके ओके, तुम्हें करा देते हैं फिफ्थ, जल्दी जल्दी करा देते हैं फिफ्थ भी। फिफ्थ क्या कह रहा है हमें, 12a² b प्लस 15ab² 12a² b प्लस 15ab² ओके डियर। अगर इसमें देखा जाए, देखो एक बात समझो, 12 क्या हो सकता है, 12 ले सकते हैं हम लोग 3 × 4, 12 में कह सकते हैं 3 × 4, ये तो ए स्क्वायर है, मतलब a × a × b प्लस 3 × 5 × a × b × b, दिख रहा है ना, ठीक है डियर। ओके हाँ, ये बात समझ में आ गई ना इतनी। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, कॉमन ले लिए, यहाँ और क्या बचा हमारे पास, 4 यहाँ नहीं है, यहाँ ए है, यहाँ एक ए है बाहर आ गया, यहाँ एक बी है, यहाँ एक बी है बाहर आ गया, बचा क्या, यहाँ बचा 4, फिर बचा ए, ठीक है, यहाँ 4 और ए बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 5 और बी बचा, ये इसका आंसर है 5 और b। ओके सत्यम, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा ना, चलो ये फिफ्थ था। ओके डियर, अब आगे बढ़ते हैं, तो फिफ्थ तो हो गया, हम थोड़ा और आगे देखते हैं। इसका कराते हैं हम तुम्हें सिक्स्थ, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं हम लोग। तो सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में हमारे पास 5xy, हेलो 5xy -15² x² +20xy² ये हमारे पास फिफ्थ में है, ठीक है। इधर बहुत छोटे छोटे सवाल है, जल्दी कर रहे हैं, ठीक है ना, फिफ्थ में। अब देखो यहाँ क्या कॉमन आ सकता है, ये तो 5 है, ये x है, ये y है, ये तो 5 है, ये एक्स है, वाई है, ये क्या है, 15 को हम ले सकते हैं 5 × 3, ओके डियर 15 ले सकते हैं हम लोग 5 × 3, x² मतलब x × x × y +5 × 4 × x, x × x × y × y, ठीक है, ये है। यहां तो कोई डाउट, यहां तो कोई डाउट, हेलो सब ठीक है, तो यहां फाइव है और यहां फाइव है, कॉमन आ गया, यहां एक एक्स है, यहां एक एक्स है, यहां एक एक्स है बाहर ले लिए, यहां वाई है, यहां वाई है, यहां वाई है बाहर ले लिए, अब ब्रैकेट। अब ध्यान से सुनना, ए बात समझो, ध्यान से बात समझो,
यहां कुछ भी नहीं बचा, ना फाइव बचा, ना एक्स बचा, ना वाई बचा। तो जब कुछ भी नहीं बचेगा तो कॉमन का एक रूल है, वहां वन बचेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वन हमेशा रहता है, यहां पर मल्टीप्लाई वन हमेशा रहता है, ठीक है। तो यहां जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा हमें, वन बचा, क्या बचा, वन बचा हमें। जब कुछ नहीं बचेगा तो मल्टी, तो यहां वन है, यहां वन है, माइनस ये बचा थ्री, ये बचा एक्स, यहां बचा प्लस, ये माइनस इसके कारण माइनस है, ये बचा प्लस, यहां आया फोर, यहां ये तो सब जा चुके हैं, बचा वाई। तो ये आंसर है इसका। ओके डियर, तो याद रखना सर नाइन्थ वालों, नाइन्थ वाला भी समझा दीजिए। हाँ भाई, नाइन्थ वाला भी समझा देंगे, ठीक है। पहले तो ये समझ में आ गया, हेलो आस्तिक, ये समझ में आया, जब कुछ भी कॉमन नहीं बचता है तो याद रखना हमेशा वन बचता है, क्या बचता है, वन बचता है। ओके डियर, चलो तुम्हें सेवन करा दें, जहां भी जो डाउट होगा फिर से पूछ लेना, ठीक है, डाउट जरूर पूछ लेना अच्छे से, क्योंकि साइज, हाँ 90 में बता देंगे हम, जरा सेवन करा दें और थोड़ा आगे छोड़ते हैं, अब एक दो होमवर्क भी देंगे, इसको जल्दी से करा देते हैं। ये तो इजी है, यहाँ पे क्या है, ये ए है, ये माइनस प्लस थ्री, इसमें से कॉमन लेते हैं माइनस वन, माइनस वन कॉमन ले डियर, तो बचा ए प्लस, देखो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ बन गया प्लस। अब ये चीज और ये चीज सेम है, हम इसको कॉमन ले लिए, पूरे को कॉमन ले लिए, तो यहां एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारे बचेगा ए माइनस वन। ये अगर सवाल तुम्हें समझ में आ गया तो बेसिक सवाल तुम्हें समझ में आ गए हैं, है ना, ये तो बेसिक समझ में आ गया, तो ए प्लस थ्री और ए माइनस वन हम तुम्हें सारा पहुंचा देंगे, चिंता ना करो। सर क्वेश्चन नंबर 19 इज टू मच प्रॉब्लम, ओके 19 टू मच प्रॉब्लम करा देंगे, ठीक है। मगर हम थोड़ा इसको स्टार्टिंग से इसलिए करा रहे हैं, सर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या, हमने तो स्टार्टिंग बताया था, अगर किसी ने हमसे पूछ, ये स्टार्टिंग में समझो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डियर, जैसे बात बताया था कि 20 का फैक्टर होता है 2 × 2 × 5, ये इसका फैक्टर होता है, हमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, जिनका मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो अगर तुम्हें इसका फैक्टर पूछता है तो तुम ये लिखते हो ना, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 × 5 तो फिर से 20 आ जाएगा। अगर तुमने इसको मल्टीप्लाई किया तो घूम के तुम यहीं आ जाओगे, दोबारा यही आ जाएगा। इसलिए हमें फैक्टर करना है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, जिनका मल्टीप्लाई इसके इक्वल हो। मगर मल्टीप्लाई करना नहीं है, अगर कर दोगे तो तुम घूम के यही आ जाओगे, है ना, जैसे यहाँ पे घूम के वहीं आ जाओगे, बस यही बात रखो। तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है यार, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चलो ये तो हमने इसका कर लेते हैं एक, नाइन्थ, किसी ने नाइन्थ का है ना, नाइन्थ कर लेते हैं। अच्छा एट्थ, एट्थ होमवर्क अगर तुम्हें डाउट हो तो पूछ लेना, या तो एक काम करना एट्थ खुद से करके, एट्थ वाला क्वेश्चन नंबर एट, एक काम करना क्वेश्चन नंबर एट खुद से करके हमें कमेंट कर देना जरा, आज इतने लोग बैठे हो, अभी इस वीडियो कंप्लीट होने बाद, है ना, अगर एट्थ तुम्हारा खुद से तुम कर ले जाओ, थैंक यू, अगर एट्थ तुम खुद से कर ले जाओ तो जब कमेंट में बता देना हमें कि आंसर क्या, आंसर तो नहीं लिख पाओ, एस वाई में लिखा होगा, तुम बस ये बता देना हमें यस और नो, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो बता देना, कंप्लीटेड, समझ में आ गया तो भी ठीक रहेगा। ओके चलो नाइन्थ करते हैं डियर, नाइन्थ 5s³। अच्छा नाइन्थ तुम्हारा एट्थ पे डिपेंड है तो थोड़ा नाइन्थ समझ लो, आसान है, अगर एट्थ नहीं हो पाएगा तो हमसे पूछ लेना, बता देंगे एट्थ पे, ठीक है ना। तो वो नाइन्थ में, अब एक बात समझो तुम, अगर नाइन्थ को ध्यान से देखो, नाइन्थ को ध्यान से देखो, तो देखो जब भी तुम्हारे पास चार टर्म आ जाए, अगर तुम्हारे पास फोर टर्म है तो उसमें दिमाग लगाओगे ना, तो दो दो का पेयर बनता है, किसका बनता है, दो दो का पेयर बनता है। तो हम क्या करेंगे, दो दो पेयर मतलब इस दो में कुछ कॉमन लेंगे और इन दो में कुछ कॉमन लेंगे। अगर हम इन दोनों की बात समझें तो यहाँ समझो, यहाँ एस की पावर थ्री है, देखो एस की पावर थ्री का मतलब हमने तुम्हें बता दिया कि तीन बार एक्स होगा, हालांकि हर बार एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती तुम्हें, अगर तुम जैसे बड़ी क्लास में जाओगे ना तो एग्जाम में लिखना नहीं होता है। माइनस टू, एस की पावर टू मतलब दो बार एक्स है, प्लस फाइव मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या सकता है, यहाँ दो एक्स है, यहाँ दो एक्स है, तो भैया दो एक्स यानी एक्स मल्टीप्लाई एक्स कॉमन आ गया, बचा फाइव एक्स माइनस यहाँ क्या बचा टू। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है डियर, तो हम इसको ऐसे लिखे रहेंगे 5x माइनस टू। बस एक काम करेंगे, इन्हें ब्रैकेट में लगा लेंगे, क्या करेंगे, इनमें ब्रैकेट में लगा लेंगे। अगर इसको देखो तो ये एस स्क्वायर है, ये क्या है, एस स्क्वायर, पावर ऐड होती है ना, मल्टीप्लाई में क्या होता है डियर,
मल्टीप्लाई में, अगर तुम्हें याद होगा कि ए की पावर एन मल्टीप्लाई ए की पावर एम, पावर ऐड होती है, ठीक है, पावर ऐड हो जाती है, ठीक। तो यहाँ वन वन है तो ये पावर ऐड हो कितना आ गया, टू। अच्छा वन लिखना मत कभी एग्जाम में, ऐसे पावर वन लिखी नहीं आती है, सब रूल्स हैं कि पावर वन लिखी नहीं आती है। तो ये 5x-2 + 5x-2। अब तुम ध्यान से देखो, ये चीज़ एकदम सेम है जो ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला था, इसीलिए ब्रैकेट डाला था, ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो मैं इसको एक साथ कॉमन ले लूँ और दूसरा ब्रैकेट लगाऊं, एक और ब्रैकेट। यहां क्या बचा, यहां बचा एस स्क्वायर प्लस, यहां प्लस। अब यही गलती होती है तुम लोग से। सर लाइक द वीडियो प्लीज, ओके। अब तुम लोग गलती यही करते हो डियर, तुम लोग यहां गलती करते हो बेटा, कि तुम लोग सोचते हो सर यहां तो कुछ नहीं है, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। हमेशा याद रखना, कुछ नहीं होता है, तुम जब भी कॉमन लोगे कुछ नहीं है तो वन है, क्या है, वन है। तो यहां वन है, ये बाहर निकल आया तो यहाँ कुछ नहीं बचा। तुम कहोगे सर ये तो पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ वन है, ये वन हमेशा रखना। गलती ये छोटी मोटी होती है, सारे वीडियो हो जाते हैं, ओके डियर, मगर ये वन तुम भूल जाते हो, फिर कहते हो सर गलत हो गया एग्जाम में, यहाँ वन लिखना जरूरी है। एक बात समझो, हम तो ये चीज़ समझाते हैं, अगर तुम्हारा ये वन नहीं होगा, मान लो तुम ये वन लिखना भूल गए, तो तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अगर तुम वन लिखना भूल गए तो तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, s² - 5x - 2 + फिर यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, जब कुछ लिखे नहीं हो, जब वन रहेगा तभी ये वन से तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ये चीज़ वापस सेम स्टेप ऊपर वाला आना चाहिए, तो सेम ऊपर स्टेप आएगा। तो ये बस याद रखना, गलती मत करना, वन लिख देना, जब कुछ भी कॉमन ना बचे तो याद रखना माय डियर कि वन आना चाहिए, ओके। सेवेंथ वाला नहीं, सेवेंथ वाला बता दें, सेवन बता दो डियर, सेवेंथ वाला नहीं बना, मतलब दोबारा बता दें क्या अजय, सेवेंथ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, फिर से बता दें, हाँ बताए तो हैं, अच्छा ठीक है फिर से बता देते हैं। सेवेंथ वाला हमने एट छोड़ा था, सेवेंथ तो बताया था, ठीक है फिर से बता देते हैं सेवेंथ। सेवन्थ अगर नहीं बताया तो सुन लो, सेवन्थ में, सेवन्थ में कौन सी बड़ी बात है, ए ए +3 - a - 3, ये बताया था बेटा कि यहाँ तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता, ये पहले से ब्रैकेट लगाया, मतलब ये कॉमन लिया गया है, तो यहाँ -1 कॉमन लेंगे, इन दोनों क्या कॉमन लेंगे, -1। देखो -1 तो कॉमन जब लोगे, जब -1 कॉमन लोगे, जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब ये माइनस था ये प्लस बन गया, ये माइनस था ये प्लस बन गया। अब ये दोनों चीज सेम है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यहां क्या बचा, अगर ये बाहर चला गया तो यहां क्या बचा, ए, यहां क्या बचा, -1, क्योंकि ये तो बाहर है, बस ये इसका आंसर हो गया, ओके। ये सेवेंथ वाला था, अब समझ में आया कि नहीं, ओके डियर, ये समझ में आया कि नहीं। हमने यहां माइनस कॉमन लिया, जब भी कभी किसी भी जगह से माइनस कॉमन लेते हैं, मान लो 2x - 2x + 1 लिखा है, मान लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, -1, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस और ये प्लस बन जाएगा माइनस। माइनस कॉमन लेने बाद हमेशा सिंबल चेंज हो जाते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब प्लस ही हो जाएगा, हम बोल रहे हैं सिंबल चेंज हो जाएंगे, याद रखना ये सब बेसिक रूल है, ठीक है। और अगर तुम्हारा कहीं लिखा है 2x - 3, ठीक है, और यहाँ -1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बचेगा -2x, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। तो सिंबल्स हमेशा चेंज होते हैं यार, कॉमन लेने पर भी और मल्टीप्लाई करने पर भी। ये सेवन्थ था, थोड़ा हमने नाइन्थ तक तो कर ही लिया है, ओके। टेंथ बता दें, चलो टेंथ भी देख लो, x³ - 3x² + x - 3, बड़ा आसान सवाल है। देखो अब हम इसको मैं 10 बार मल्टीप्लाई में नहीं लिखूँ, अब तुम इतना बेसिक समझ में आ गया होगा बेटा कि अगर यहाँ x³ है इसका मतलब है 3x है, x³ मतलब 3, ऐसे x इसका मतलब x मल्टीप्लाई x ऐसे 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस यहाँ x² है इसका मतलब x·x लिखा हुआ है, ये x है -x है, ये इस बार बता रहा हूँ दोबारा लिख के, फिर तुम इसको समझ जाओगे यार। तो ये 2x है यहाँ पर, यहाँ 2x है, कॉमन ले लिए तो x², 2x बाहर निकाले बचा क्या, x², यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ x-3, इन दोनों में कुछ कॉमन ले नहीं सकते आप, तो आप कुछ कॉमन ले सकते हो, ऐसे छोड़ दो। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसको ऐसे लिखो, ये अगर बाहर चला गया, ये बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा,
एस स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे प्लस ये बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा मतलब कि वन बचा, कुछ नहीं बचा मतलब कि वन बचा। हेलो सबको, हेलो हाय, ठीक है जो लेट आए अभी आए जो देर में आए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना डियर, ठीक है ओके। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था, हम करा देते हैं इसके बाद 12 कराते हैं, नहीं नहीं 11 कराते हैं, 12 छोड़ देंगे, 11 तो तुम लोगों को थोड़ा डाउट होगा हमें जहाँ तक लग रहा है, 11 करा देते हैं ठीक है, 12 छोड़ देंगे, 12 ईजी लग रहा है हमें। ये है हमारा 11, देखो अब 11 देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ तो चार टर्म नहीं है ओके डियर, तो ये बात समझो यहाँ 4 टर्म है। सर आज क्लास 9 का बैच, भाई 9 का बैच डियर होगा वही 8:30 बजे है ना डियर, 9th वाले जितने भी हैं वो तैयार 8:30 बजे होगा ना उनका, तो उससे पहले तुम करेंगे नहीं, या तो नहीं करेंगे होगे तो, मगर उससे पहले तो नहीं कर सकते ओके। तो 11 में देखो अब यहाँ 4 टर्म नहीं है, अगर 4 टर्म नहीं है बेटा तो बात समझो, तो हम यहाँ पे देखो कॉमन क्या लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, तो ध्यान से देखो ये 10 है, 10 मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 2, एक्स के मतलब बताए थे 2x है तो मतलब x मल्टीप्लाई x माइनस 9 क्या होता है, 9 होता है 2 मल्टीप्लाई 9 दिन 18 ये तो होता है, हम इसे 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 और ये एक्स की पावर 4 है, मैं इसे एक्स की पावर 4 छोड़ दे रहा हूँ ऐसे ही क्योंकि चार बार एक्स लिखना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है डियर। तो कॉमन क्या आएगा, अब ये बात समझो यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x है यहाँ पे 2x मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2x मिल जाएगा क्योंकि एक्स की पावर 4 है, क्योंकि एक्स की पावर क्या है 4 है, तो 2x यहाँ से निकाल लेते हैं, तो एक्स की पावर 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा 5 यहाँ बचा 9 और x एक x में बचा ना, अब इसमें 4 में से 2x जा चुके हैं यहाँ पे, इन 4 में से 2x यहाँ जा चुके हैं ठीक है ना डियर, तो अगर 2x बाहर जा चुका है तो यहाँ बचेगा 2x, सिर्फ 2x बचेगा, x की पावर 4 में से 2x इधर आ गया, ये आ गया, सिंपल ये आंसर हो गया। यस वेरी गुड वेरी गुड प्रणय, तुमने सही बताया था। तो 12 तो बताने जरूरत नहीं आई थिंक, मुझे लग रहा है कि 12 बता दें जल्दी बताओ बेटा, चल बताना चाहो तो बता ही दें, दो मिनट लगेगा हमें बताने में, मगर हम चाहते थे बड़े वाले बताएं जल्दी जल्दी ठीक है डियर। 12 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 बहुत आसानी से लिखते हैं, इसमें कॉमन क्या है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ y है यहाँ y है यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो 2y कॉमन आया यहाँ बचा x, ये पूरा बाहर चला गया तो बचा 1, याद रखना ये पूरा अगर बाहर आ गया तो बचा 1 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ 3 है यहाँ 3 है 3 आ गया x प्लस 1 यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1, अब ये दोनों चीज़ सेम है x प्लस 1 x प्लस 1 इसे बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचा 2y प्लस 3 2y प्लस 3 ये हो गया 12। सर बताइए 12 बता दो डियर डियर, हाँ 12 बता दिया, टेंशन ना लो, हाँ डायरेक्टली x कॉमन ले सकते हैं, वो तो मैं समझाने के लिए तुम्हें इतना मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, देखो अब मैं तुम्हें डायरेक्टली x कॉमन लूंगा ठीक है, अब देखो असल में होता क्या है, सवाल पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, अगर 1-2 मार्क्स में आ रहा है छोटा सवाल है तो डायरेक्टली x कॉमन ले लो, अब तुम्हें पता है कि बहुत बड़ा सवाल है मतलब कि तुम्हारे मार्क्स में अधिक आ रहा है ठीक है, बस 4 मार्क्स में आ रहा है तो भाई कुछ स्टेप तो दोगे करने चेक करने के लिए, जब मार्क्स अधिक होते हैं स्टेप उस हिसाब से चेंज करना चाहिए, मार्क्स कम होते हैं और सवाल बहुत लेंदी बहुत बड़ा है तो वहाँ हम डायरेक्टली कॉमन लेंगे, अभी मैं तुम्हें डायरेक्टली कॉमन लेकर सिखाऊंगा ठीक है। अगर तुम 13 को देखो, 13 का इसलिए रहा है 13 माइनस फंसेगा, अब देखो इसमें तो 13 में क्या डियर, हेलो माइंडिंग माइंड, हाँ जो भी हेलो डियर, देखो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, ए क्योंकि यहाँ पे ए है आ गया, यहाँ एक्स की पावर 2 है यहाँ एक्स की पावर 3 है, तो भैया कॉमन क्या आएगा, एक्स की पावर 2 वाला जो कम होता है वो कॉमन आएगा ना, यहाँ 2x बाहर आ गए, इसके पास 3x थे कितने x बचे, 1 बचा माइनस इसका a बाहर है और एस स्क्वायर बाहर है बचा 3,
अब यहां क्या कॉमन होगा, अब ये बात समझो, मुझे यहां थ्री पे चाहिए माइनस, बात समझ रही है, मैं इसको अगर ऐसे लिख देता प्लस माइनस एक्स प्लस थ्री, तो ये दोनों चीज सेम नहीं है, ये दोनों चीज सेम नहीं है, तो आगे मैं कुछ कॉमन नहीं ले पाता, इसलिए मैंने क्या करा, इसमें से लिया माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेते ही ये माइनस बन गया प्लस और ये प्लस बन गया माइनस, ये प्लस बन गया माइनस, ये प्लस बन गया माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया और ये लगा लिया ब्रैकेट, ठीक है यार, ये रखना, ये गलती यहीं होती है। अब ये दोनों चीज सेम है, ये माइनस वन है तो इसे बाहर निकाले, अंदर बचा ए एस स्क्वायर माइनस वन, याद रखना ए एस स्क्वायर माइनस वन, गलती से वही होती है जब माइनस कॉमन नहीं ले पाते हैं हम लोग। के 14, फोर्टीन क्या है डियर, एस स्क्वायर माइनस ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, ये सवाल है। अब अगर यहां ध्यान दो तो तुम्हें बस कॉमन लेने से समस्या हो जाएगी, यहां पर कॉमन लेने ही, हाँ इजी है, यस इजी है डियर, यहां कॉमन लेने से समस्या हो जाएगी, तो पहला काम करो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस फोर एक्स, और ये फोर वाई तो लिखा ही है, ठीक है ये फोर वाई तो लिखा ही है डियर। अब इसे कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ दो एक्स है यहाँ एक एक्स है, तो भैया कॉमन एक ऐसा सकता है, ये बताया था अगर दो एक्स होता है स्क्वायर मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स और इसका मतलब है एक्स, तो यहाँ कॉमन सिर्फ एक्स आ सकता है, कॉमन वो आएगा ना जो दोनों पास हो, जो कम हो, जो कम होता है वो कॉमन आता है। सर प्लीज क्वेश्चन नंबर 19, हाँ भाई वहाँ भी पहुँच रहे हैं, ये कौन सा है, ये 14 है, 19 पहुँच रहे हैं डियर, है ना, जो कम होता है वो कॉमन आता है, ठीक है ना, जो दोनों पास होगा, तो यहाँ एक्स कॉमन आया, बचा एक्स, दो एक्स थे एक एक्स बाहर आ गया माइनस वाई, क्योंकि ये एक्स तो बाहर चला गया, इसमें क्या कॉमन आएगा। अच्छा हाँ इसमें एक गलती है, कोई बताएगा मुझे इस सवाल में गलती, ये मैंने अभी नोट करते समय देखा, इस सवाल यहां पर एक गलती है, जल्दी से बताओ कहाँ गलत है, अगर ध्यान से देख रहे हो तो जल्दी से बताओ कहाँ गलत किया मैंने, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, मगर यही सब मिस्टेक तुम लोग एग्जाम में कर लेते हो। भाई किसी को पता चल रहा है कहाँ गलती है, क्यों प्रणय, अजय नहीं, एक्स वाई क्या उसमें क्या गलती है, हाँ केपी आस्तिक स्वास्तिक है ना, अजय बताओ बेटा कहाँ गलती है, वाई एक्स सही है, वाई एक्स एक्स वाई में कोई गलती नहीं होती है, अगर तुम देखो वाई एक्स लिखो चाहे एक्स वाई लिखो सही है, दोनों सही है, ये दोनों सही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, यस हाँ माइनस का साइन लगाएंगे, यस देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ माइनस ये भी होगा, ये माइनस होगा और साथ में ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, बस ये छोटा सा माइनस पूरा सवाल गलत कर देता है, हाँ प्लीज साइड हो गया बेटा, है ना, ये छोटा सा सवाल बेटा पूरी सवाल गलत कर देता है, ये माइनस होना चाहिए था। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो ये एक्स एक्स माइनस वाई, यहां कॉमन क्या आएगा माइनस फोर, सॉरी प्लस फोर, यहां कॉमन आएगा प्लस फोर, अच्छा प्लस फोर अगर कॉमन लेते हैं, बात सुनो ध्यान से, प्लस फोर कॉमन लेते हैं तो ये लिखे हम माइनस एक्स, यहां फोर बाहर जा चुका है प्लस वाई, क्योंकि प्लस फोर कॉमन है, क्या ये दोनों चीज सेम है, नहीं ये दोनों चीज सेम नहीं है, यहां वाई माइनस में है यहां वाई प्लस में है, अब मुझे वाई को माइनस नहीं माइनस बनाना है, अगर माइनस बनाना है तो मुझे लेना पड़ेगा वाई कॉमन, जब वाई कॉमन लूंगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, यहां कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस, और ये प्लस बन जाएगा माइनस, अब ये दोनों चीज सेम है, तो एक ब्रैकेट में लिखूंगा एक्स माइनस वाई ये कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट लूंगा एक्स माइनस फोर, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट, भाई छोटी सी मिस्टेक ही से पूरा असर डालती है। ओके डियर, ओके ओके, तो मैं सोच रहा हूं तुम्हें, फिफ्टीन करा दूं कि होमवर्क दूं, अच्छा 15 कर पाओगे, अच्छा 15 कर लोगे, जल्दी देख के बताओ,
चलो बता देते हैं 15 भी, क्योंकि तुम्हें 15 में एक चीज़ समझानी पड़ेगी। क्या है? 2x+4y माइनस 8xy माइनस 1, ये है 15। हो जाएगा, करा दें। देखो हो जाएगा, जिसको कह रहा है बाप बताए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 15 है जो कह रहा है बता दें हमें, तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप। तो बताएं, सबसे पहली बात समझूँ, शुरुआत के दोनों में टू कॉमन आएगा। चलो इन दोनों में टू कॉमन आएगा, सर ने लिख दिया इसे। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? -1, ये आएगा। इसके बाद कुछ स्टेप आ रहा है? इसके बाद कोई स्टेप नहीं आएगा बेटा, इजी है। तो इसको पहले बात समझो, ये आया ना, ठीक है, ये आया ना। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद कुछ करने के लिए है? नहीं है। तो भैया एक बात समझो, इसलिए करा रहे थे इसे, अब पहले इसे करोगे रीअरेंज। क्या करोगे? रीअरेंज करोगे, यानी 2x इसको इधर ले आएंगे +4y -1। मैंने इसको आगे ले आया, इसको पीछे ले आया, क्यों? क्योंकि तो उसके आगे कुछ मिल रहा था। यस, फर्स्ट स्टेप इज रीअरेंज, फर्स्ट स्टेप इज रीअरेंज, वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप हमारा रीअरेंज है। अब कॉमन आएगा, यहाँ 2 है, 4, 8 क्या होता है? 8 होता है 4 × 2, 8 ये होता है ना, 4 × 2, तो यहाँ 2 है इसमें। तो यहाँ 2 कॉमन आया और x कॉमन आया, यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ से यहाँ क्या है? 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 मतलब 4 बचा, एक्स तो बाहर जा चुका है, बचा वाई। इसकी अगर बात करें, यहाँ लेंगे माइनस कॉमन। माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं? देखो माइनस वाला कॉमन ले, बचेगा -4y+1, ठीक है, ये माइनस कॉमन लेने का तरीका है। अब देखो एक बात समझो, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ, -1। इसको ऐसे ले सकते हैं ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, प्लस वाले 1 को उधर लिख लिया, अब सिंबल के साथ जाता है, जब जब सिंबल जाता है, अब ये दोनों चीज़ सेम है। ये हो गया हमारा। या हेलो मिधांस, अरे मिधांस तुम भी आए हो, वेरी गुड। चलो ये था 15। तो भैया 16 तुम खुद से करोगे, 16 तुम खुद से करोगे, ठीक है। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ओके 16 तुम खुद से करना। हेलो मिधांस, अब हम तुम्हें करा रहे हैं 17। 16 इज़ योर होमवर्क, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके डियर, 16 इज़ योर होमवर्क, आंसर भैया कमेंट कर देना, आंसर करना कमेंट में, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया ये बता देना हमें। हाँ हम पहुँच गए भैया, 17 पहुँच गए, मतलब 19 पहुँच गए, बस एक दो सवाल दूर हैं, फिर 19 पे आ जाएंगे डियर, जो भी पूछ रहा है 19 है ना, बस हम 19 पहुँच गए। हाँ मिधांस हेलो, कैसे हो? बढ़िया, सब बढ़िया, लो अच्छा। ओके 17, 1+a² + b² + a² + b² अब क्या करें यहाँ पर, यहाँ क्या करें? यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 1+a² है, ये ब्रैकेट में ले लो। यहाँ कॉमन क्या आएगा? 20², इसके पास भी 20² है, इसके पास भी 20² है, इन दोनों के पास 20² है, 20 को कॉमन ले लें। यहाँ क्या बचा? 1, क्योंकि ये तो 20² बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा a², ये दोनों चीज़ सेम है, हमने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा? यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1, ये प्लस का सिंबल, ये बचा 20², ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। बस 19 पहुंच गए, सॉरी 18 पे ना, 18 रह गया था, 18, 18 जल्दी से कर देते हैं, बस 19 इसके बाद ही है। ये राइट, 18 जल्दी से कर लेते हैं। देखो ऐसे सवालों में हमें पहले ब्रैकेट ओपन करना चाहिए, हमें क्या ओपन करना चाहिए? ब्रैकेट, इसमें ओपन कर लेते हैं। तो ये ए बी, बस इसके बाद ही हम करा 19, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए वाई एक्स -bx - y, ये बचा ना। अब इसमें कॉमन, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आएगा। ओके डियर, तो अगर यहाँ कॉमन ले लें ए और s², तो यहाँ बचेगा bx, हाँ आ जाएगा। देखो यहाँ मैंने कॉमन लिया ए, s² था तो x कॉमन आ गया, यानी ये पूरा आ गया, यहाँ बचा b, यहाँ बचा +y, और bx बचेगा ना, क्योंकि तो यहाँ 2x है। ओके सर, 2 कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा,
अरे ठीक है, पहुंच रहे हम सब जगह। नहीं इसमें सर सुन लीजिए, सुन ले बेटा, तुम्हारी बात सुन रहे हैं। रीअरेंज क्यों करेंगे बेटा, थोड़ा लाइफ में आ जाए, इसमें रीअरेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना रीअरेंज के कर लेंगे। हाँ केपी भाई सुन रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ बी, 2x में से 1x बाहर है, बचा 1x, यहाँ बचा वाई, इसमें कॉमन लेते हैं -1, -1 कॉमन लेते ही सब बन जाएगा प्लस। तो ये माइनस का बड़ा खेल है, माइनस कॉमन लेते सब प्लस बन गया, मतलब सबके सिंबल चेंज हो गए। ये दोनों चीज सेम है, यहाँ बचा ax -1। अब भैया जितने देर से जो सोच रहा था करने के लिए, सर क्वेश्चन नंबर 19 में प्रॉब्लम है। हाँ पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए सर। सर 19 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बस पहुंच गए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब आ गए हम लोग 19 पे, बहुत देर से पूछ लेते भाई तुम लोग। 19 19 19 पे आ गए डियर, देखें हम 19 में क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को। 19 कहता है कि हम है a² - 10ab +25b² + 2a - 10b, ये है 19 ना। पहुंच गए हैं अब, हाँ 19 में प्रॉब्लम है तो आ गए हम लोग। ये सवाल है, यहाँ कितने टर्म है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है, 1 2 3 4 5, 5 है। अब बात समझो। अच्छा तुम्हें 19 में प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम इसलिए तो तुम लोग यही समझ नहीं पा रहे हो कॉमन कहाँ से लें। ठीक है कॉमन कहाँ से लें, अगर मैं कॉमन ले लूँ, अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ a² है, इसमें कॉमन आएगा a, तो a 10 बचेगा और 10 यहाँ फंस जाएगा, ये 10b है यहाँ कॉमन आएगा, ये 25 किसी साथ का काम नहीं कर रहा है ना। ये सोच रहे हो ना सर कि 25 कहाँ करेंगे। अच्छा रीअरेंज कर लें, अगर इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए तो यहाँ a ही कॉमन आएगा तो 2 फंस जाएगा। कुल मिला के तुम्हारे पास कुछ ना कुछ फंस जा रहा है सर। 5 क्या आस्तिक, व्हाट इज 5, कुछ 5 बोले हो तुम, a² 10ab + 25a²। अब एक तुम्हें चीज बताते हैं जो इस सवाल को देखते मुझे दिमाग में आया था पहले बार ही। देखो एक चीज समझाते हैं, हर एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर एक सवाल करने के दो तरीके होते ही हैं हमारे पास, ठीक है। बट अगर मैं इस सवाल को देखूं तो इस सवाल को देख के मुझे एक चीज याद आ गई, मैं सोच रहा हूँ वही अप्लाई कर दूं, है ना। हाँ वैसे ही होगा, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज बताता हूँ इस सवाल में, तुम लोग को a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कोई बताएगा मैं, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बोल तो वहां सही रहे हो, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, ठीक है डियर। अब एक चीज बताओ हमें, हाँ अब हमें एक चीज बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं a - 5b इसका होल स्क्वायर, a - 5b का होल स्क्वायर क्या होगा। हाँ ठीक है डियर, एकदम सही है, वही सीक्वेंस फर्क नहीं पड़ता। चलो इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, -2ab + b², सीक्वेंस तुम लोग फर्क वैसे पड़ता नहीं, दोनों से सही है। इसका क्या होगा, a² - 2a हमारा ए, और ये क्या आएगा -5b + 5, इसे मल्टीप्लाई में रखते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई, +5b² यानी ये क्या आया, a² 5 2 10 ab + 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये दोनों पे स्क्वायर जाता है, दोनों पे स्क्वायर, ये 5 पर भी स्क्वायर है 5 का और ये b पे, ये हुआ ना। ओके ये बात समझ में आई तुम्हें, ये a - b के 5 का होल स्क्वायर है। अब तुम इस चीज को ध्यान से देखो, ये चीज और ये सेम ही तो है, ये माय डियर और ये सेम ही तो है, ये दोनों सेम तो है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, जस्ट इसका पीछे वाला स्टेप, ये लिखूंगा a² - ये लिखूंगा 2 * a - 5b, मैं यार स्टेप लिख रहा हूँ, प्लस इसे लिख सकता हूँ 5b² प्लस इसे, अभी यार इसमें से क्या कॉमन है वो अलग बात है, अभी इतना ही बात समझते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कहाँ से आया है, यहीं से तो आया है, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, यानी a - 5b² प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा 2, बचा क्या a
माइनस फाइव बी। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है नहीं या किसी को? तो कि यहीं तक डाउट, अगर अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। यहां हमने टू कॉमन ले लिया स्क्वायर, ये इसी का फॉर्मूला है। हम जान कैसे पाए, मुझे कैसे पता चला इसी का फॉर्मूला है? मैंने देखा ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर सर। अच्छा लाइव वीडियो है तुम बात सही है। हाँ हाँ बात सही है, अच्छी बात है, सब सब बतिया लो आराम से अच्छे से। यहाँ देखो ये 25 था, मुझे मैंने सोचा 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ जो बीच में होता है, क्या ये ए मल्टीप्लाई बी है? ठीक है यहाँ ठीक है, तो ये होता है 2 × 5 × ab, ठीक है बेटा। तो यहाँ तो 2ab, तो हमें पता था ये 5 है, तो 5 × 2 = 10 काम आ गया, इतना काम आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये 2 है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x होता है, तो इसमें x कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 2 बचता है डियर, x प्लस 2 बचता है ना, वैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है डियर, तो इसमें से मैं कॉमन लूंगा a माइनस 5b, यहाँ बचा a माइनस 5b, इसमें से ये तो बाहर चला गया, बचा 2, ये बाहर चला गया बचा 2, तो ये इसका आंसर है। किसको डाउट था, अब डाउट है, अब हम उसको बाद में देखेंगे, उसे टेंशन ना लो। तुम क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, अब हम देख रहे हैं। अब हमें बताओ कि तुम्हें डाउट है इस सवाल में कि नहीं, और किसी को डाउट है इस सवाल में? ये चीज करके दिखाने जरूरत नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में ये करके दिखाने जरूरत नहीं है, मेन हमारा यही पार्ट है। आई थिंक डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया, 2-3 बार प्रैक्टिस करें ना जल्दी। यस और नो बताओ, इसमें डाउट है कि नहीं, बता लेना आराम से। नो सर, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना बेटा, इस पार्ट को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, इसे नोट कर लेना। ओके चलो चलो आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 19 था ये, 20 पे जाते हैं, 10 सवाल और बाकी हैं भाई, आज ही खत्म कर देंगे एक्सरसाइज। अच्छा इस साइज को आज ही खत्म कर देते हैं, तो थोड़ा भागना मत है ना, तो आज साइज खत्म कर देते हैं हम। 9th वालों का बैच बाद में कर लेंगे, 9th वालों का भी 8:30 से करना था, मगर ठीक है उनको हम बाद में कर लेंगे, पहले हम तुम्हारा ये एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए हमारी। ये तो आसान होगा, इससे क्या करना है, क्या कॉमन आ सकता है इसमें, देखो कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता भाई। यहाँ से तुम क्या है भैया, क्या निकालोगे, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, छोड़ दो, नहीं आ रहा है सर इसमें एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे हैं सर, ना बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, उसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये एक्स वाई, इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए बी वाई स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ओके डियर। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, रीअरेंज, सबसे पहला इसके बाद काम क्या है हमारा, रीअरेंज, इसको इधर ले आते हैं और इस वाले को इधर ले आते हैं। तो ये देखो जब भी रीअरेंज करते हैं ना, माइनस सिंबल ध्यान रखना है, ये अपने सिंबल के साथ यहाँ आएगा, इसका सिंबल क्या है, प्लस है, तो ये अपने सिंबल के साथ यहाँ आएगा, जब भी रीअरेंज करोगे ना इस सिंबल्स को जरूर ध्यान रखना, ये सब अपने सिंबल के साथ आते हैं, ठीक है। अब कॉमन क्या आएगा इसमें, यहाँ एक्स है, यहाँ स्क्वायर है, एक्स आ गया कॉमन, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ वाई है, यहाँ वाई नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, ए कॉमन आ गया, बचा क्या, यहाँ बचा वाई और ए माइनस, ये ए बाहर जा चुका है और यहाँ बचा एक्स, इसमें कॉमन आएगा, प्लस यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, कॉमन नहीं आएगा, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, कॉमन आ गया, ठीक है, यहाँ बचा एक्स, अच्छा यहाँ बी भी तो है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो बी कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा एक्स बी, 2b था, एक बी बाहर आ गया माइनस, यहाँ बच बी बाहर आ चुका है, ए और वाई, ये आ गया हमारा कॉमन कॉमन। सर वीडियो अपलोड कर दीजिए प्लीज़, नेट खत्म है, नहीं वीडियो अपलोड हो जाएगा अपने आप ही। अगर तुम्हें काम करना है जिसका भी चल रहा है, जब हमारे चैनल पे जाओगे ना, चैनल पे डेटा, तो उस चैनल पे जाके देखना लाइव वाले पे, उसे क्लिक करना लाइव वाले पे, तो तुम्हें लाइव वाले मिलेगा, ये वीडियो हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, ये अपलोड है अपने आप ही, ठीक है ना, लाइव वाले मिलेगा। अच्छा देखो इन दोनों हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस बी एक्स है, यहाँ पे बी एक्स प्लस में, यहाँ ए वाई माइनस में है, यहाँ ए वाई प्लस में है, तुम ए वाई लिखो चाहे वाई ए लिखो, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे इसमें, फिर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस वन, जैसे प्लस माइनस बन गया
तो माइनस वन कॉमन लिया ना, माइनस कॉमन ले लिया हमने, क्या देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू होता है माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है इक्वल टू माइनस, तो हमने माइनस कॉमन लिया, तो जैसे माइनस कॉमन लिया ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस, ओके डियर। अब ये पूरा सेम है तो इसको बाहर निकालेंगे, यहां बचेगा एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स ए नॉट एक्स माइनस ए, एक्स ए माइनस फाइव बी, ये हमारा आ गया आंसर। हाँ बाय, ओके ये अपलोड आएगा, बस उस पर देख लेना, ठीक है। चलो ये था 20, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा 21 सेम ऐसे ही है, 21 नहीं कराते हैं क्योंकि 21 सेम ऐसे ही है, ओके डियर। तो 21 खुद से कर लेना, और 21 भी तुम्हारा होमवर्क आ गया, बोले होमवर्क दे रहे हैं आज हम, 21 भी तुम्हारा क्या आ गया, होमवर्क आ गया, और इसको भी करोगे कमेंट में आज या कल में आंसर कर देना, कल की वीडियो से पहले कि सर हो गया कि नहीं हो गया, खुद से जरूर ट्राई करना 21, ओके। नहीं हुआ तो बता देना, तो कल बता देंगे, अगर हो गया तो अच्छी बात है, तो ये कमेंट में बता जरूर देना कि सर हो गया कि नहीं हुआ, ये जरूर जानना चाहते हैं हम, हुआ कि नहीं, ओके। 20 फिर से बता दें, अरे यार तुम तो फिर से रुकवा दिए 20 चलो 20 फिर से बता देते हैं, देखो 20 बताने कुछ है नहीं ऐसा, हम बता देते हैं एक बार, वरना लाइव क्लास का मतलब ही कह रहा हूँ, थोड़ा यहाँ ध्यान देना 20 में, ठीक है। हमने ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, एक्स वाई बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस का कारण यही माइनस बन गया, ए बी वाई स्क्वायर। अच्छा पता कैसे करेंगे कि रीअरेंज करना है कि नहीं करना है, ओके डियर ये बात समझो, पता करने का इसका रूल नहीं है, तो ये बात समझो, मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया है अभी, तो अगर इसमें से कॉमन लूंगा, इसमें से कॉमन लूंगा तो घूम के यहीं आ जाऊंगा, इसमें से कॉमन लूंगा तो घूम के यहीं आ जाऊंगा, अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाऊंगा, कॉमन लूंगा तो फिर वहीं आके टक जाऊंगा, ऊपर ही आके टक जाऊंगा, ठीक है ना। तो रीअरेंज का कोई रूल नहीं होता है, तुम एक बार गलत करके देखो बिना रीअरेंज करे, तुम एक जगह जाके रुक जाओगे कि अब कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, अब कुछ हम कर ही नहीं रहे, तो तुम वही समझ जाना कि ऊपर स्टेप में रीअरेंज करना है, यहाँ पर रीअरेंज के बिना हो नहीं सकता कि यही आएगा। अच्छा और रीअरेंज हम कैसे करते हैं, मैं रीअरेंज कुछ करता नहीं हूँ, एक स्टेप को आगे और एक स्टेप को पीछे कर देता हूँ, क्योंकि एक बार भी रीअरेंज हुआ ना वो आंसर आ जाता है ना, जहां भी कॉमन मिल सके। तो यहां पर इसको मैंने उठा के आगे ले आया, अब आगे लाता हूं, बस मैंने इतना देखा, मुझे ये नहीं पता था इससे कॉमन आया कि नहीं आएगा, मैंने आगे ले आया, ठीक है। अब आगे जब ये आएगा तो माइनस सिंबल के साथ, क्योंकि इसका सिंबल माइनस है, इसका प्लस है, अब मुझे ये नहीं पता डियर कि इसके बाद कॉमन आ सकता था कि नहीं आ सकता था, बस मैंने इसको लिख दिया, नहीं आता फिर देखा जाता, ओके डियर। अब देखते कॉमन आता क्या है, ए ए स्क्वायर ए बाहर, एक्स एस स्क्वायर एक्स बाहर, वाई यहाँ बचा, यहाँ वाई बचा, और क्या बचा, एक एक्स, एक एक्स बाहर है, दो एक्स थे, सॉरी एक ए बाहर है, ए दो ए थे तो एक ए बचा, माइनस ए इसका बाहर है, बाहर आ गया, बी बचा, एक्स स्क्वायर एक्स एक बाहर है, एक एक्स यहाँ बचा, एक्स लिख दिए, प्लस यहाँ देखें क्या कॉमन है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई कॉमन आ गया, यहाँ बी दो है, यहाँ एक बी है तो बी कॉमन आ गया, यहाँ बचा एक्स, इसका वाई बाहर है, दो बी में से एक बी बाहर है तो एक बी बचा यहाँ, माइनस ए, यहाँ दो वाई में दो बी तो बाहर आ गया, दो वाई में से एक वाई बाहर है, एक वाई है। उसके बाद मैंने देखा, उसके बाद देखा कि अच्छा इसको मैं बी एक्स भी ले सकता हूँ, इससे मैं बी एक्स भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इससे अगर मैं देखो ए वाई लिखूँ चाहे वाई ए लिखूँ, ए वाई स्क्वायर टू वाई ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, इसके बाद मैंने देखा ये भैया बी एक्स हमारा नेगेटिव है यहाँ, और यहाँ बी एस हमारा पॉजिटिव है, तो भाई सीधे माइनस कॉमन ले लिया, कुछ सोचा वोचा नहीं, तो ये हमारा माइनस में था, ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस, बस उसके बाद मैं सोचता हूँ कि भाई क्या करना है, मैं एक स्टेप मिलाते चला जाता हूँ और फिर देखता हूँ। अब इसमें देखा कि भाई ये चीज़ तो सेम आ गई, तो चलो ये सेम आ गई तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो ये बचा, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ यही बचा, ये सिंबल माइनस का था इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ ये तो पूरा कॉमन हो गया तो ये बचा, बस ये हो गया हमारा। किसो डाउट, हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं उसे भी अपलोड करने की, मगर उससे पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, है ना। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा ना, इसे दोबारा बता दिए आप, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा प्लीज़ देख लेना दोबारा वीडियो, हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे अब, ठीक है, इसे देख लेना दोबारा, अगर तुम्हें डाउट रहेगा तो।
ओके सर, बिफोर बिफोर प्लीज ट्राई करेंगे उसको भी अपलोड करने की। पहले ही चैप्टर कंप्लीट कर लें, फिर डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर देंगे। ओके डियर, लाइव में आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। देखो लाइव क्या होता है, लाइव में हमें ये फ़ायदा होता है कि हम वीडियो बनाते चले जाते हैं। अभी हम वीडियो बनाना होता है ना तो हम शायद ना बना पाते हैं, वहाँ थोड़ा आलस से दिखा देते हैं। 22x² + (a-1)/a, अगर तुम लोग लाइव आते रहो और थोड़ी जनसंख्या अच्छे से और रिस्पॉन्स करते रहो, थोड़ा अच्छे से लाइव आ जाओ सब लोग, है ना। कम से कम 15 लोग तो आ ही जाओ, 10 हो गए हैं, 15-20 ऑनलाइन रहें तो हम करा देंगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। जब तक हमारे पास 10 लोग ऑनलाइन हैं, हमें कराने कोई समस्या नहीं, हम कराते रहेंगे। ओके ना, ये सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि तो यहाँ तो 1/a है सर, अब क्या करें हम, 1/a है, यहाँ xy है, यहाँ y² है। अब तो पूरी पूरी कहानी चेंज हो गई, आप तो कहे थे भैया, फंसा दिए सवाल को, कहोगे सर, है ना। तो यहाँ क्या करना चाहिए, तो बताएगा हमें क्या करना चाहिए। सर मैं भी लाइव कराता हूँ, करता हूँ सर। ओके मैं भी लाइव, ओके ओके, अब बताओ यहाँ क्या करना चाहिए, हमें जल्दी बताओ, क्यों बताएगा हमें। देखो जब ऐसे सवाल हमारे सामने भी आते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी हर सवाल का आंसर आता ही है। हम ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, देखो हम ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, जो रूल तो चेंज नहीं करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ax y, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -xy/a-y² बस ये तो पता था मुझे, इसके अलावा कुछ पता नहीं था। अब क्या कर सकता हूँ मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो मुझे दिखता है यहाँ पे x² है, यहाँ पर x है, कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा ay, यहाँ क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पहले तो माइनस कॉमन आएगा क्योंकि दोनों पास माइनस है, तो माइनस कॉमन आ गया। यहाँ y² है, यहाँ बचा y, ठीक है, तो मैं कहता हूँ चलो इसे भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचा y, तो यहाँ बचा x/a-y। ये चीज़ तो कहीं से सेम नहीं है, अगर ध्यान दो तो ये चीज़ कहीं सेम नहीं है, पर मैं एक चीज़ सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्लियर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ना, कॉमन लेते प्लस हो जाएगा। तो भैया मुझे समझ में आ रहा है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है ना, पहले बताओ जल्दी से, आवाज़ आ रही हो क्या थी। हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको दिमाग लगाऊंगा अगर मैं तो, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये प्लस है ओके, तो मुझे देखना इसमें है, ठीक, तो -y, इसको क्या ले सकता हूँ x, अच्छा एक बात बताऊँ, 1/a+1 क्या होता है, ये होता है कि नहीं होता है, इसको कैसे डाउट है, ये समझ में आया कि नहीं, ये होता है ना अगर इसको ऐड करें सिर्फ, ठीक है, और अगर मैं इसके यहाँ पे यहाँ पे वाई लिख दूँ, वाई लिख दूँ तो यहाँ क्या आएगा, ए वाई आएगा, और अगर मैं इसके यहाँ पे एक्स लिख दूँ तो यहाँ क्या आएगा, एक्स आएगा, ये बात समझ में आ गई ना। तो वही काम यहाँ अप्लाई करूँगा, इसको ऐड करूँगा तो ये ay/a, अब ये ए आगे आ सकता है क्योंकि तो ये पूरे से ब्रैकेट पूरे के नीचे है, इस पूरे के नीचे है, इसलिए इस ए को मैं बाहर निकाल लूँगा, सिर्फ एक के नहीं है, y/a, अब यहाँ बचा x+ay, इस ए को मैंने यहाँ ले आया, ठीक, अब ये चीज़ देखो सेम है तो इसे फिर बाहर निकालूंगा, यहाँ क्या बचा, ये बचा x, यहाँ बचा y/a, ये मेरा आंसर हो गया, कहानी खत्म। तो मुझे भी नहीं पता सवाल कहाँ से होगा, बस मैंने उठाया सवाल को स्टार्ट कर दिया करना कि चलो करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। ओके डियर, ये तो 22, 23 कोई डाउट है इसमें, इसे मैं रख कर देता हूँ, एक बार फिर से, ओके ओके ओके, एक बार फिर से तुमने कहा है, ये सवाल था हमारा 22, ओके फिर से समझ लेते हैं, कुछ नहीं ऐसा खास था इस सवाल में वैसे। ओके डियर, मुझे सामने जो दिखा मैंने वही करा, मैं हमेशा ये कहता हूँ जो सामने दिखेगा विदाउट चेंजिंग द रूल बस वो कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तुम्हें पता ही है, तो ये ax y - 1, जब देखो 1/a·xy क्या होता है, xy/a, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये xy/a-y² यही तो था, ठीक। अब इसमें से हमने कॉमन लिया x, तो यहाँ बचा x,
यहाँ बचा ए वाई, यहाँ बचा माइनस वन, माइनस कॉमन लिए और यहाँ वाई था, यहाँ वाई था तो वाई कॉमन ले लिए, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई बचा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई को अगर ऐड करना है तो ये ए एक्स प्लस ए वाई, ये बात समझ में आ गई ना? तो मैथ वाले सर ये वाला सम है करने का 22 वाला है, पता नहीं बेटा क्या बोला, उस पर ध्यान नहीं दे रहा अभी। हाँ तो ये क्या है, एक्स प्लस ए वाई, एक्स यहाँ क्या था सॉरी, ये यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन एक्स है तो यहाँ वाई, ये ऐड होगा तो ये आएगा हमारा, तो एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए, अब ये ए आगे आ जाएगा, ये ए हमारा आगे आएगा, तो ये वाई अपॉन ए बचा, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस ए वाई। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो इसे हम अलग निकाल लेते हैं। और जब ये आ जाएगा तो यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा, ये तो बाहर आ चुका है ना, ये हमारा आंसर है। हाँ ओके, क्या लिखा है सर, ओके अब समझ में आ गया नहीं? ओके समझ में आ गया, दिए हैं सर को करने के लिए, ठीक है अब तू कर लेना इसे, अब तो रूल समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़े, ये था 22, 23, ओके ओके 23, ओके डियर, अब मैं और कोई डाउट तो पूछ लेना, अच्छी बात है पढ़ाई करके कर रहे हो। ओके इसमें क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो वन से मल्टीप्लाई तो यही रहेगा और माइनस टू, अच्छा ए ए मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा, अच्छा ए मल्टीप्लाई ए, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है क्योंकि पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, पता है ना, ए के पावर एन मल्टीप्लाई ए के पावर एम इक्वल टू ए एन प्लस एम, वही 1 + 1 हो जाता है, ये हो जाता है ए की पावर 2, ये पावर ऐड हो जाती है ना, हमेशा रखना मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। ओके डियर, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बी माइनस 2b², यहाँ कॉमन क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है ए कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ कॉमन आएगा माइनस 2 और बी, क्योंकि तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ बी है तो बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 2 तो बाहर आ गया तो बचा ए, और ये तो बी यहाँ आ गया हटा दो, और यहाँ बचा बी, ओके कुछ गलत किया है क्या? हाँ सॉरी ए कॉमन नहीं है ना, ए तो कॉमन है नहीं तो ये ए स्क्वायर ही बचा, ए कॉमन है नहीं तो ये ए स्क्वायर बचा, माइनस कॉमन लिए थे डियर, सॉरी गलती हो गई, माइनस कॉमन लिए थे, ये माइनस माइनस कॉमन लिए थे तो ये प्लस बन गया, अब ये चीज़ सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ क्या बचा ए माइनस 2b, यहाँ बचा ए माइनस 2b, तो ये हो गया। हाँ होगी क्यों नहीं होगी, कल भी होगी भाई, तुमने चैप्टर खत्म करने का है ना, एक्सरसाइज थोड़ी, चैप्टर खत्म करने के लिए कल भी क्लास करेंगे। ये था 23, हमारे पास दो तीन सवाल और है तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें, कल करें, अब ये तो बोर हो गया हो तो कल करें, वरना एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें, अब जल्दी से ये बता दो एक्सरसाइज अभी कंप्लीट करें कल कंप्लीट करें, तो क्या अप्रॉक्स 1 घंटा हो गया ना, ये तुम लोग पर है, हमें कोई समस्या नहीं है, हम दोनों कर सकते हैं, कल बाकी लोग बताओ भाई, हम तो चाहते थे कंप्लीट कर दें यार, एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाए, तो ये कल इस कंप्लीट करने में मतलब है कि कल तुम सिर्फ इसी एक्सरसाइज को कर रहे हो फिर, क्योंकि तो हम फिर यही एक्सरसाइज करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एस स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ए बी प्लस, इसको करेंगे तो एक्स ए स्क्वायर, और ये कहेंगे एक्स बी स्क्वायर, बस ये सवाल कर। हाँ जल्दी तो आप कल करें सर, आज ही सर जी प्रणाम प्रणाम, ये तो कब कंप्लीट करना है इसे, ठीक है इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, ठीक है बेटा कॉमन क्या आ सकता है, अब देखो यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा ना, अगर यहाँ रीअरेंज करोगे तो भैया ऊपर वाला चीज़ तो फिर आ जाएगा, कॉमन लेना मतलब ही करा रहा, यहाँ कॉमन नहीं कर सकते ना क्योंकि रीअरेंज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ऊपर ही वाला मिल जाएगा, ठीक है आगे पीछे कर लिए, अब कॉमन लेते हैं, एस कॉमन है ए कॉमन है, यहाँ बचा बी,
ए तो बाहर आ गया, बचा एक एक्स, क्योंकि दो एक्स में से एक एक्स बाहर है, ये एक्स तो बाहर है, एक ए बाहर है, बचा ए प्लस यहाँ कौन आ सकता है, यहाँ आ सकता है बी, तो यहाँ बचा ए और यहाँ बचा एक्स बी, ये दोनों चीज़ सेम ही है। तो मैं चीज़ बताएं, प्लस वाले साथ आसान होता है, इसको तो मैं ऐसे लिखूँ प्लस बी, इसको भी तुम ऐसे ले सकते हो, क्योंकि टू प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस टू, ये दोनों सेम होता है, तो इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि तो प्लस का था। अब ये दोनों चीज़ सेम है, तो बी एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स एक्स ए, ये एक्स ए प्लस बी, एक्स ए प्लस बी। ओके, एनी डाउट? ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। आई 24 था हमारा। अब जल्दी से बताओ, 25 से आज ही कराएं या कल कराएं माय डियर? अगर तुम लोग कहो कल कराने के लिए तो हम कल कराएंगे, क्योंकि तुम्हें इतना पढ़ना भी तो है, हमें तो क्या, हम तो कंप्लीट करके चले आते हैं, और पढ़ना तुम्हें। ओके, अभी बताओ करना, अभी तो मैं अभी कर डाले, कल कराने कहोगे। ऑनलाइन हो, अभी ऑनलाइन है उसे, कल कराएं। अच्छा, कार्तिक कह रहा कल कराएं। अच्छा भाई, अभी जय श्री राम सर, कल कल, ओके डियर, कल हम कर देंगे, हमें क्या करना है। पांच सवाल है तो 5 सवाल मोर आर लेफ्ट। ओके, बट तुम कह रहे हो कल कराने, तो सर कल ही कराते हैं, ठीक है, कोई कह रहा है अभी, कोई कह रहा है कल, है ना। जैसे 5% मोर आर लेफ्ट, बट 5 हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि अगर तुम इसे कल करा लेंगे, अभी ख़त्म कर दें, हम तो अभी चाहते, तो हम भी अभी ख़त्म करना चाहते थे बेटा, क्योंकि कल नया एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। बट एक बात और है, अभी तो ये टाइम ले लेगा तुम्हें और, क्योंकि ये सवाल तो इजी है। देखो इसमें क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई इससे इससे करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ रीअरेंज के बिना कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि यही ओपन हुआ है, यहाँ तो रीअरेंज के बिना कॉमन लेना ही नहीं होगा। अब यहाँ कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन आया, ए माइनस टू बी, यहाँ क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा प्लस के साथ, तो यहाँ बी माइनस टू बी, ये दोनों चीज़ फिर से सेम हो गया, तो ये आया बी, सॉरी ए कॉमन आया ना, ए नहीं बी कॉमन आएगा डियर, यहाँ गलत लिख दिए थे, बी कॉमन आएगा बी, तो यहाँ ए बचा है, क्योंकि दो बी है एक बी है, ये कॉमन आएगा बी, ए कहाँ कॉमन आ पाएगा, तो ये बचा हमारा कॉमन, यहाँ लिखेंगे ए, दोनों चीज़ सेम है, ए माइनस टू बी, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी। मैं तो चाहता हूँ आज कंप्लीट कर दें, जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, हाँ अभी करवा रहे हैं, ये समझ में आ गया ना, ये तो आसान था 25। 4 सवाल और हम करके ख़त्म करते हैं इसे। 26, डाउट होगा तो पूछते रह लेना। 26 क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस एक्स माइनस ए, माइनस वन भी है भाई, माइनस वन भी है इसमें, हाँ माइनस वन भी है, कॉमन लेते हैं, तीन टर्म है भाई, नहीं ये, हाँ इसमें क्या करेंगे, 6 टर्म है, इन दोनों कॉमन, इन दोनों कॉमन, इन दोनों कॉमन, दो दो में कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन क्या आएगा, यहाँ कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचा एक्स माइनस वन, माइनस वन बचा ना, प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा, अगर यहाँ की बात करें तो एक्स कॉमन आएगा, तो इसमें बचा हमारा एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा हमारे पास ए प्लस वन, जब एक्स कॉमन आएगा प्लस वन, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, तो बचा माइनस वन, तो ए प्लस वन। अब देखो इन दोनों में तो ठीक है सेम हो गया, ठीक है, अब यहाँ देखो हमने इधर कॉमन ले लिया, तो याद मत करो, समझ में आ जाएगा, हमने यहाँ एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस वन कॉमन ले लिया, ठीक है यार, अब इसको ऐसे रहने दो, ये बात समझो, इन तीनों में कुछ तो कॉमन आएगा नहीं अब, है ना, तो यहाँ अगर इन दोनों में देखा जाए, सिर्फ मैं इन दोनों ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो इनमें कॉमन क्या है, ये और ये कॉमन है, तो इसे बाहर ले लेते हैं, बचा क्या एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स माइनस वन ही बचा, अब इसको तुम ध्यान से देखो, तो ये चीज़ और ये चीज़ फिर कॉमन आ गई, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस वन ब्रैकेट, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचा ए प्लस वन, यही तो बचा ए प्लस वन,
ये तो कॉमन आ गया बाहर, ठीक है। याद मत करो बेटा उसको, जो तुम्हारा दोस्त है बेटा उसको ये सम भेज देना सर, मुझे लगा। हाँ ठीक है, 10 वॉचिंग है वो तो ठीक है। हम ये कह रहे हैं जो तुम बता रहे, तुम्हारा कोई दोस्त याद कर लेता है डियर, उसको भेज देना सारा वीडियो और कहना एक बार देख के समझ भी ले, पढ़ ले, है ना, लिंक भेज देना उसे। ये सवाल देख लेना, अच्छा सवाल है, ये सवाल अच्छा है। ओके 27, 27 हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस 2x माइनस 2y। कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। देखते हैं, x कॉमन, x माइनस वाई, यहाँ कॉमन क्या आएगा? जेड एक्स माइनस वाई, यहाँ के कॉमन आ रहा है 2 है, तो प्लस 2 कॉमन एक्स माइनस वाई। तो बड़ा आसान है। अब ये तीन तीनों में, ये एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है। अच्छा ये जेड है और ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ कॉमन क्या आया? एक्स माइनस वाई यहाँ ले लिए, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा जेड और यहाँ बचा 2, ये 2 है, यहाँ बचा 2। अब ये तो तीनों में तो कॉमन आ गया, 27 हो गया, ठीक है, ये 27 हो गया। इसको हम मिटा देता हूँ, कोई डाउट हो तो देख लेना दोबारा। 28 और 29 और 30, तीन सम और बाकी है, उसे कर लो खत्म करें। 28 हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 13x प्लस 65। बड़ा आसान सवाल है, देखो ये x और इसमें कॉमन क्या है, ये 11 कॉमन आएगा और ये x कॉमन आएगा, बचा क्या यहाँ पे x और यहाँ बचा 5। देखो 55 को हम क्या ले सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 11, तो ये 11 कॉमन आ गया है, ये x यहाँ पर आ गया है, इसका x बच गया और ये 5 बच गया, ये 5 यहाँ बच गया, ठीक है डियर। यहाँ की अगर बात करें तो माइनस कॉमन लेते हैं पहले, 13 कॉमन आएगा, बचेगा x। देखो बात सुनो, 65 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, तो ये 13 यहाँ पर भी है, इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 13, तो ये 13 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा माइनस। अच्छा ये प्लस जो है माइनस बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, हमने माइनस कॉमन लिया, हमने क्या कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है, तो ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा और ये 13 तो बाहर आ गया, यहाँ बचा 5। अब ये दोनों चीज़ सेम हो गया, तो एक्स माइनस 5 ये इधर है और ये इधर है, कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 11x और माइनस 13, 11x और -13, ये 28 हो गया। हाँ सिंपल है ना, ये हो गया 28। अब आते हैं 29, 29 और 20, 30, दो सवाल और, एक कंप्लीट कर दिया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है देखो यहां पे क्या है, इसको ऐसे लिखे रहे हैं, दो भी ब्रैकेट में तो ओपन कर देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत कर देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत कर देना। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ सकता है, देखो ये बात समझो, 8 होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 12 होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 6 ना, तो यानी ये और ये कॉमन आ गया, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ बचेगा क्या, 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4 होता है, तो यानी अगर हम 4 कॉमन लें, इसे ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, इसको ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, 12 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 3 और ये होता है 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा क्या 2 और ये x बचा। हमने माइनस कॉमन लिया है, ध्यान रखना माइनस कॉमन लिया है, 29 में, हाँ ये सही है, ये ऐसा ही लिखा है डियर, है ना, 29 4x, यहाँ 2x बचा, ये प्लस बन जाएगा माइनस और यहाँ बचेगा 3। प्लस माइनस क्यों बन गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ये प्लस बन गया माइनस। अब ये चीज और ये चीज सेम है, यहाँ स्क्वायर से लिखा है, तो लिखोगे 2x-3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये 2 थे, पावर 2 मतलब ये 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक बचा, यहां ये तो बाहर चला गया तो बचा क्या -4, ठीक है। अब इसे सॉल्व तो करना है। अच्छा -3 -4 क्या होता है, -7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, ऐड हो जाता है, तो -3 -4, सर ये क्या आप मुझसे चैप्टर का, हाँ बेटा जो तुम बता रहे हो चैप्टर का बेस अनुभव, एक काम करना, इस वीडियो का
स्टार्टिंग देखना, इस वीडियो का स्टार्टिंग देखना डियर। अगर तुम स्टार्टिंग से देखोगे वीडियो ना, तो वहां मैंने चैप्टर का बेस समझाया। तो एक काम करना, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो स्टार्टिंग से तुम शुरू से देखना। अगर तुम शुरू से देखोगे ना, तो तुम्हें सारा समझ आता चला जाएगा। तुम सारे वीडियो देखो, पूरा सम देखना और स्टार्टिंग देखना। तो स्टार्टिंग में मैंने बेस भी समझाया है। हाँ अभिनव, तुम इसको एक काम करना अभिनव, कि स्टार्टिंग से देख लेना, तो तुम बेस समझ में आ जाएगा। अब तब भी समझ में नहीं आ रहा तो हमें डाउट बताना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज बस हम लोग कंप्लीट कर ही दिए। इसे होमवर्क दे दें क्या? ये तो है लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क दे दूं? खुद से करोगे? ये तो होमवर्क तुम खुद से करोगे? नहीं करा देते ना, होमवर्क दूंगा तो खुद से कैसे याद करना पाओगे? कर ले जाओ, अगर इतना समझ गया होगा तो कर तो ले जाओगे, मगर अभी तुम्हें थोड़ा और समझना पड़ेगा ना। हाँ इसे करा देते ना। अब एक बात समझो, अच्छा जो फ्रेंड याद करता है उसका नाम अनुभव है, अनुभव बेस समझ लेना बेटा। ओके खुशी, हाँ बता रहे हैं कब स्टार्ट करेंगे बेटा, तो एक मिनट रुक जाओ, 5 मिनट 10 मिनट रुक जाओ, अभी उसको भी स्टार्ट करते हैं। ओह नाइन्थ वाले तो पढ़ाना ही था, भूल गए थे आज शायद। खुशी ना कर पाए नाइन्थ वालों को डियर, खुशी आज शायद तुम हो गए तो आज नाइन्थ वाले कर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया। इन्हीं को कर देते हैं आज कम्प्लीट, तुम लोग कल करते हैं 8:30 बजे से, 9th का कल रखेंगे 8:30 से, और इनको फिर 7:30 बजे कल ख़त्म करेंगे हर हालत में। ओके डियर खुशी, अब एक बात समझो, x माइनस वन अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आएगा। ये चीज़ सेम है, सॉरी प्लस का लेना, प्लस का फॉर्मूला, चलो प्लस का, यहाँ प्लस लिखा था ना, तो प्लस में फॉर्मूले में ये होगा, और ये चीज़ ऐसी सेम है, हम बस इसको वही बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ लिखे 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स। अच्छा देखो, एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स होता है 1 है, ये कट जाएगा, ठीक है ना, और 2 मल्टीप्लाई 1 हम लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई हम 1 लिख सकते हैं, और 1 के यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स, जो ही कट के क्या आता है 1 आता है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है, ये गलत नहीं है। नहीं वीडियो ढूंढने दिक्कत नहीं होगी, यही वीडियो तुम चैनल अगर हमारे सब्सक्राइब करके रखे होगे और लाइव सेशन में जाना, चैनल में घुसना और लाइव सेशन में जाना, इसी वीडियो की बात कर रहे हैं। ओके डियर इसी वीडियो के, ढूंढना वाला कुछ नहीं, इसी वीडियो बात कर रहे हैं। ओके यहाँ क्या है, यहाँ हम कॉमन लेते हैं 3 कॉमन लेते हैं और माइनस कॉमन लेते हैं, तो बचे क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, क्योंकि 3 कॉमन है माइनस कॉमन है, माइनस ने प्लस बना दिया अपॉन एक्स। ये किसका फॉर्मूला है अभी बताए थे हम तुम्हें, ये है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इतना, और माइनस 3, ये माइनस 3, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये चीज़ सेम है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में, ये 2 बार था तो 1 बार यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये तो बाहर चला गया, तो बचा माइनस 3। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना आज के लिए ख़त्म हो गया बेटा, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। और खुशी अगर तुम ऑनलाइन हो तो बताओ हमें, तुम लोग आज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, हमें 10 मिनट दो खुशी, 10-15 मिनट, तो ये तो सवाल करा देंगे तुम्हें। खुशी ऑनलाइन हो? हेलो लावण्या, तुम्हारा भी कराएंगे भाई, क्लास 7th वालों का भी कराएंगे, टेंशन ना लो, एक दिन हाँ उनका भी स्टार्ट करेंगे, पहले अभी ये बताओ, ठीक है, यहाँ तक के लिए आज के लिए डाउट सब क्लियर हो गए ना सर? ओके डियर, यस सर, हाँ तो खुशी एक काम करते हैं, कल तुम लोग रखते हैं खुशी, है ना, कल से हम टाइम बांध लेंगे। ओके डियर खुशी, तुम हो ऑनलाइन तो कल से तुम्हारा टाइम बांध लेंगे, अब तो 9 बज रहा है, ठीक है, तो कल से हम लोग कर लेंगे टाइमिंग 9:30 से तुम लोग का, और 8:30 से इन लोग रखेंगे, या एक दो सवाल करा दें खुशी तुम्हारे भी, खुशी तुम्हारे भी एक दो सवाल करा दें 9th का, कल ही कर लेते बेटा बेटर रहता। चलो ठीक है, ठीक है ना खुशी, जल्दी तुम बताओ, बस तुम्हारा ही देखना था, कल कराते हैं खुशी, ठीक है डियर, वैसे भी बहुत हो गया आज, खुशी कल करते हैं, ठीक है, तो 9th का कल करते हैं, 9th का कल टाइमिंग वही रहेगी 8:30,
नाइन्थ के लिए टर्न वही 7:30, डेट 7:30, सेवन्थ का टाइमिंग 7:30, सॉरी एट क्लास की 7:30, नाइन्थ क्लास की, एट्थ वालों की टाइमिंग रहेगी 7:30, नाइन्थ वालों की टाइमिंग रहेगी 8:30। 30 मत मानो, 35 मान लो दोनों लोग, और तुम लोग 40 मान लो, तुम लोग 8:40 मान लो और 35, या 35 ही रखो, हम करा लेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम करा लेंगे। ये दो टाइमिंग है कल की, आ जाना इसी टाइम पे, ओके, हम दोनों कराएंगे। चलो थैंक यू, बाय, टेक केयर। अच्छा जो वो दिए हैं, क्या कहते हैं उसे, जो होमवर्क दिए हैं सब कमेंट करना है, आंसर जो होमवर्क दिया हो आंसर कमेंट करना, ओके डियर। बाकी फिर वही एक आखिरी बात बोल दूँ, बस एक आखिरी बात, सबको शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना, सबको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और क्या करना है और बता देना सबको, भाई देख लें, ओके ना, थैंक यू भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। और जो होमवर्क दिया है कमेंट में आंसर जरूर करना, जो होमवर्क दिया है कमेंट में आंसर जरूर करना, ओके। ठीक है, वो महाराणा प्रताप, जय महाराणा प्रताप बेटा, रिया जो कमेंट दिया है उसे जरूर करना है ना, होमवर्क दिया है सबको सब्सक्राइब शेयर कर देना। अच्छा ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, कल दूसरे साइज करेंगे, प्रणाम, खुश रहो।